हेलो गाइस, आज मेरे घर में सिंपल तरीके से चिली पनीर बनाया है। ये देखिए गाइस, ये देखने में अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस ये देखिए, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो आप इसकी रेसिपी फुल एंड तक देखें गाइस, ये बहुत सिंपल तरीके से बनती है। और यहाँ देखिए गाइस, फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज को, शिमला मिर्च को क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पे मैंने पनीर भी काट लिया है गाइस। यहाँ पे अदरक, लहसुन और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले ली है। अब बना लेते हैं जल्दी से चिली पनीर। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है। आप जितना तेल खाते हैं उतना आप ले सकते हैं गाइस। तो आप यहाँ देखिए, अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। अब प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है गाइस। यहाँ देखिए, प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब फ्राई करने के बाद इसको हमने निकाल लिया है गाइस, ये देखिए। अब मैंने इसी कढ़ाई में शिमला मिर्च भी डाल दी है गाइस। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ये देखिए। ये देखिए, इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है गाइस। और गाइस ये देखिए, अब मैंने इसी कढ़ाई में दोबारा से तेल डाल लिया है और यहाँ पे पनीर डाल दिया है गाइस। पनीर को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है गाइस। ये देखिए, हमारा पनीर अच्छे से जब फ्राई हो जाए, ये देखिए गाइस, अब इसको हमने निकाल लेना है गाइस। ये देखिए, कुछ ऐसा दिखता है हमारा फ्राई किया हुआ पनीर। तो यहाँ देखिए गाइस, ये हमारी चिली पनीर का एक सीक्रेट है। तो यहाँ मैंने पानी में गाइस यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है एक चम्मच के करीब। तो आप भी एक चम्मच के करीब ही डालना। अगर आपको ज्यादा रंग लेना है तो गाइस आप डेढ़ चम्मच भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल में जीरा डाल दिया है आधा चम्मच। अब मैंने यहाँ पे अदरक डाला है, लहसुन डाला है गाइस, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाल ली है गाइस। आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकती हैं। मैंने इसको बारीक काट के डाल दिया है। तो यहाँ मैंने इसको फ्राई कर लिया है अच्छे से, ये देखिए। अब मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब नमक, मिर्च डाल दी है गाइस। यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है। अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल दिया है। और जो हमारा सीक्रेट था वो कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट, वो डाल दिया है गाइस, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से पका लिया है और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है एक चम्मच सोया सॉस का गाइस, ये देखिए। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। हमारा तड़का रेडी है गाइस, ये देखिए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है गाइस, ये देखिए। अब इसको अच्छे से घुमाना है गाइस पकने तक। अब गाइस ये देखिए, इसको थोड़ा टैंगी फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें टमाटो सॉस का यूज किया है। और यहाँ पे मैंने रेड चिली सॉस यूज की है गाइस, ये देखिए। आपको जितना तीखा पसंद है गाइस, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से पका लेना है। उसके बाद हमने जो फ्राई किए थे प्याज, शिमला मिर्च, उनको इसमें डाल देना है गाइस, ये देखिए डाल देना है यहाँ पे। अब इसको हमने अच्छे से हमारे मसाले में मिक्स कर लेना है, ये देखिए। अच्छे से मिक्स कर लेना है गाइस, मिक्स करो अच्छे से, ये देखिए। मिक्स करने के बाद गाइस, हमने इसमें जो हमने फ्राई किए थे पनीर, तो हमें इसमें पनीर डाल देना है गाइस, ये देखिए। अब मैंने इसी के ऊपर धनिया डाल दिया है, ये देखिए। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखिए। ये गाइस ये देखिए, ये बहुत टेस्टी बनता है। घर में ट्राई जरूर करें। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, कम समय में बनने वाली डिश है गाइस। आप इसको ट्राई करें, खाएं घर में और अपनी फैमिली को भी खिलाएं गाइस। और ये ट्राई जरूर करें गाइस। यहाँ देखिए, अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक के पका लिया था थोड़ा सा। और यहाँ पे हमारा चिली पनीर तैयार है गाइस। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ।
आप इसको ट्राई जरूर करें। बाय गाइस।